हेलो स्टूडेंट्स, एक बार पुनः एक बार फिर नव भारती परिवार के अंदर आप सब लोगों का हार्दिक अभिनंदन है। पिछले दो वीडियो के अंदर एवरेज पीरियड मेथड अपन ने पढ़ा, उसके अंदर जो ड्राइंग्स थी वो मंथली ड्राइंग्स थी। आज मैं बात करूंगा क्वार्टरली ड्राइंग्स, जिसको हिंदी के अंदर बोलते हैं त्रैमासिक आरण। त्रैमासिक आरण यानी हर तीन महीने के गैप से ड्राइंग्स। इस एग्जाम्पल के अंदर मैं जो ईयर ले रहा हूँ वो 2020-21 ले रहा हूँ, यानी कि स्टार्ट कब होगा, 1 अप्रैल से, 1 अप्रैल 2020 से, एंड कब होगा, 31 मार्च 2020 को। ये कैलेंडर ईयर भी हो सकता है, 1 जनवरी से 31 दिसंबर 2020। कुछ स्टूडेंट्स क्वार्टर को कैलकुलेट करने में, त्रैमासिक को कैलकुलेट करने के अंदर कंफ्यूज रहते हैं, तो मैं आप सब लोगों का कंफ्यूजन दूर कर दूं। 2020-21 के अंदर जो पहला क्वार्टर होगा वो 3 महीने का होगा, अप्रैल मई जून के 3 महीने। दूसरा क्वार्टर जुलाई अगस्त सितंबर के 3 महीने। तीसरा क्वार्टर अक्टूबर नवंबर दिसंबर। फाइनेंशियल ईयर है इसलिए ईयर चेंज हो गया, 2021 के 3 महीने जनवरी फरवरी मार्च, इसलिए टोटल पीरियड कितना, वही 12 मंथ्स होगा, चाहे आप कैलेंडर ईयर लो और चाहे आप फाइनेंशियल ईयर लो। मैंने एक एग्जांपल लिया है, 3 पार्टनर हैं पी क्यू और आर। पी विड्रॉज ₹5,000 इन द बिगिनिंग ऑफ ईच क्वार्टर। पी जो है वो हर क्वार्टर के शुरू के अंदर ₹5,000 निकालता है, ध्यानपूर्वक देखेंगे। साल भर के अंदर 4 क्वार्टर होते हैं, चाहे वो कैलेंडर ईयर हो चाहे वो फाइनेंशियल ईयर हो। पी कितने रुपए निकालता है, ₹5,000 पर्सनल यूज के निकालता है। कब निकालता है, हर क्वार्टर के शुरू में, बोर्ड पे देखेंगे। पहली जो ड्राइंग्स करेगा हर महीने हर क्वार्टर के शुरू में 1 अप्रैल को करेगा, फिर इसके बाद में 1 जुलाई को करेगा, फिर इसके बाद में 1 अक्टूबर को करेगा, अक्टूबर नवंबर दिसंबर को 3 महीने पूरे हो गए, और चौथे क्वार्टर के शुरू में यानी कि 1 जनवरी 2021 को ये ड्राइंग्स करेगा। अब पी के लिए मैं सबसे पहले पीरियड कैलकुलेट करूंगा, तो पीरियड इज इक्वल टू टोटल पीरियड, टोटल पीरियड शुरू के अंदर है, बिगिनिंग में है, तो अब तो आपको याद हो गया होगा, इंटरवल को ऐड करेंगे तो ऐड इंटरवल अपॉन 2, तो टोटल पीरियड 3 महीने का 1 क्वार्टर है, 4 क्वार्टर, तो टोटल पीरियड कितना है, 12 मंथ्स, टोटल पीरियड की जगह 12, और प्लस इंटरवल कितना है, हर 3 महीने से ड्राइंग्स करते हैं तो प्लस इंटरवल 3/2, 12 और 3 15/2, 2 7 14, 2 5 10, 7.5 महीने के लिए इसका इंटरेस्ट कैलकुलेट होगा। पीरियड अपन ने कैलकुलेट कर लिया, अब आईओडी का वही फॉर्मूला है, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स इज इक्वल टू टोटल ड्राइंग्स, टोटल ड्राइंग्स 12 महीने के अंदर उन्होंने कितनी कैलकुलेट करी, ध्यान देंगे, टोटल ड्राइंग्स इनटू रेट, रेट अपॉन 100 मल्टीप्लाइड बाय टाइम अपॉन 12। मैं जो आईओडी की रेट ले रहा हूँ एट द रेट ऑफ 12% पर एनम, 12% वार्षिक की दर से ब्याज लेंगे। फॉर्मूले के अंदर अपन रखेंगे टोटल ड्राइंग्स, पी कितने रुपये निकालता है, ₹5,000 निकालता है हर क्वार्टर की बिगिनिंग में, 1 अप्रैल को, फिर 1 जुलाई को, फिर 1 अक्टूबर को, और फिर 1 जनवरी 2021 को, यानी कि उसने साल भर के अंदर 4 बार ड्राइंग्स करी,
एक बार में कितनी ड्राइंग्स है, 5,000 रुपये की ड्राइंग्स है तो 5,000 मल्टीप्लाइड बाई 4, टोटल ड्राइंग्स कितनी हो गई 20,000। इनटू रेट कितनी ली मैंने, एट द रेट ऑफ 12% अपॉन 100 इनटू टाइम कितना 7.5 मंथ्स, तो 7.5 अपॉन 12। अब इसके बाद क्या करेंगे, पॉइंट हटाऊंगा तो ये यहाँ पर 0 आ जाएगा, ये 00 से ये 00 कैंसिल हो गया, ये 00 से ये 00 कैंसिल हो गया, 12 से 12 कट गया, इधर क्या बचा 5 और ये 4, 5 × 4 × 75 इधर बचा, 5 × 20 × 75 = 0 का 0 रख देंगे, 2×5 = 0, 1×7 = 14, 1×1500 रुपये। ब्याज कौन लेगी, फर्म लेगी, किससे लेगी, पी से ले लेगी। इसी तरह से अपन क्यू का और आर का भी कैलकुलेट करेंगे। क्यू कितने रुपए की ड्राइंग्स कर रहा है, 6,000 एट द एंड ऑफ ईच क्वार्टर, हर क्वार्टर के एंड में कितने रुपए, 6,000 रुपए। बोर्ड के ऊपर देखेंगे पहला क्वार्टर कब खत्म हो रहा है, जून में, तो पहली ड्राइंग्स कब करेगा, जून के एंड में 30 जून को, फिर इसके बाद में सितंबर के एंड में 30 सितंबर को, फिर 31 दिसंबर 2020 को और फिर 31 मार्च 2021 को ये ड्राइंग्स करेगा। पीरियड कैलकुलेट करेंगे, एट द एंड ऑफ ईच क्वार्टर है तो एंड में है तो इंटरवल को अपन माइनस करेंगे, तो इस प्लस के साइन की जगह क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा। अब यहाँ पर टोटल पीरियड कितना 12 मंथ्स माइनस इंटरवल कितना है क्वार्टर का 3 महीने का अपॉन 2 = 12 − 3 = 9 / 2 = 4.5 मंथ्स यानी कि 4.5 महीने का अपन इंटरेस्ट कैलकुलेट करेंगे। अब आईओडी का फॉर्मूला वही लगाएंगे, आईओडी इज इक्वल टू टोटल ड्राइंग्स। टोटल ड्राइंग्स कितनी होगी, हर महीने हर क्वार्टर के एंड में 6,000 रुपये निकालता है तो 6,000 और क्वार्टर कितने होते हैं 4, इसलिए इसको 4 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो टोटल ड्राइंग्स 6×24,000 रुपये हो गई। इनटू रेट मैंने कितनी ली, 12% रेट अपॉन 100 इनटू टाइम कितना है 4.5 महीने 4.5 अपॉन 12। इजी करने के लिए पॉइंट को हटा दूंगा, नीचे 1 0 आ जाएगा, 00 से 00 कैंसिल, 00 से ये 0 कट जाएगा, 12 से 12 कट गया, 6×24 24 को कितने से मल्टीप्लाई करूंगा, 45 से, 45 से इसको मल्टीप्लाई करूंगा तो 24×5 = 120 की 0 12 और 24×96 + 12 यानी कि 6×8 = 9 × 10 आंसर क्या आ जाएगा 1080 1,080 रुपये फर्म इससे ब्याज ले लेगी। लास्ट आर का और देख लेते हैं। सबसे पहले हम देखेंगे कि आर कितनी ड्राइंग्स कर रहा है, 4,000 रुपये इन द मिडिल ऑफ ईच क्वार्टर, हर क्वार्टर के मिडिल में। तो पहला क्वार्टर कौन सा है, अप्रैल मई और जून, तो मिडिल के अंदर कौन सा आएगा, मई, यानी कि 15 मई को ड्राइंग्स करी, फिर इसके बाद में 14-15 अगस्त को ड्राइंग्स करी, फिर इसके बाद में 15 नवंबर को ड्राइंग्स करी और इसके बाद में कब करेगा 15 फरवरी को, इन द मिडिल ऑफ ईच क्वार्टर। पीरियड कैलकुलेट करने के लिए मैंने आपको बता रखा है, मिडिल के लिए पीरियड को हाफ कर देंगे तो आर का जो पीरियड कैलकुलेट करेंगे फॉर्मूला क्या हो जाएगा, इंटरवल डजंट मैटर्स, देयर इज नो रोल ऑफ इंटरवल, तो फॉर्मूला क्या हो जाएगा, टोटल पीरियड अपॉन 2, दैट्स ऑल।
पीरियड को आधा कर देंगे, टोटल पीरियड ऑफ द फोर क्वार्टर्स आर 12 मंथ्स, 12 मंथ्स डिवाइडेड बाय 2 इज इक्वल टू 6 मंथ्स, 6 महीने का ब्याज लगाएंगे। आईओडी का फॉर्मूला वापस कैलकुलेट करेंगे, आईओडी इज इक्वल टू टोटल ड्रॉइंग्स, हर क्वार्टर के मिडिल में 4000 रुपये की ड्रॉइंग्स कर रहा है, एक क्वार्टर की ड्रॉइंग्स 4000, तो 4 क्वार्टर की ड्रॉइंग्स कैलकुलेट करने के लिए 4 से मल्टीप्लाई कर देंगे, 4 × 16000 टोटल ड्रॉइंग्स हो गई। अब इसके बाद में रेट कितनी है, 12% पर एनम 12/100 इंटू टाइम कितना है 6 मंथ्स/2, 12 से 12 कट गया, 2 जीरो से ये 2 जीरो कट गए। अब देखो क्या बचा, यहाँ बचा 40 × 4 × 6, इसको अपन मल्टीप्लाई करेंगे तो 4 × 16 = 160 मल्टीप्लाइड बाय 6, 16 × 6 = 96, 960 आंसर। इस तरह से पी क्यू और आर की अपन ने आईओडी कैलकुलेट करा। अब स्टूडेंट्स, मैंने आपको मंथली ड्राइंग्स का बता दिया, क्वार्टरली ड्राइंग्स का बता दिया, इन द बिगिनिंग, इन द मिडिल एंड एट द एंड ऑफ ईच मंथ और द ईच क्वार्टर। अब आपके आईओडी में एक बहुत इम्पोर्टेंट पॉइंट और बचता है, वो मैं आपको बता देता हूँ। इसके बाद में अपना ये जो इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स का टॉपिक है ये फिनिश हो जाएगा। स्टूडेंट्स, आईओडी के क्वेश्चन के अंदर जो अपना एक पॉइंट बच गया, बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इसको ध्यान से देखेंगे। एक पार्टनर है एक्स, एक्स 5000 रुपये हर महीने की ड्राइंग्स करता है, 5000 रुपीज़ पर मंथ, महीने के कितनी की ड्राइंग्स करता है, 5000 रुपये महीने की ड्राइंग्स करता है। आईओडी की जो रेट है, आईओडी एट द रेट ऑफ 10% पर एनम, 10% वार्षिक की दर से रेट दी हुई है। आप कहोगे सर इसके अंदर क्या नई चीज हो गई, ध्यान से सुनेंगे। एक्स 5000 रुपये महीने के निकालता है, ये तो क्लियर है, लेकिन ये क्लियर नहीं है कि हर महीने के शुरू में निकालता है या एंड में निकालता है या हर महीने के मिडिल में निकालता है। मीन्स डेट ऑफ ड्रॉइंग्स इज नॉट गिवन, डेट ऑफ ड्रॉइंग्स आरण करने की डेट नहीं है, डेट ऑफ ड्रॉइंग्स इज नॉट गिवन, आरण की डेट नहीं दी हुई है, और रेट के अंदर पर एनम ऐड हुआ है। दो कंडीशन बनेगी, रेट के अंदर रेट 10% पर एनम यदि दी हुई हो तो इंटरेस्ट कैसे कैलकुलेट करेंगे, और यदि ये रेट केवल 10% दी हुई हो तो इंटरेस्ट कैसे कैलकुलेट करेंगे। पर एनम 10% पर एनम मीन्स टाइम इज वेरी इंपॉर्टेंट, एंड रेट विदाउट पर एनम मीन्स टाइम डजंट मैटर्स, टाइम का कोई महत्व नहीं है, और दोनों के अंदर कॉमन क्या है, इफ द डेट ऑफ ड्रॉइंग्स इज नॉट गिवन, आरण की डेट नहीं दी हुई है तो इंटरेस्ट कैसे कैलकुलेट करेंगे। यदि रेट के साथ में पर एनम दिया हुआ है और डेट नहीं है तो हाफ पीरियड, जितना भी पीरियड है उसके हाफ पीरियड के लिए इंटरेस्ट कैलकुलेट करेंगे, ये मानते हुए कि वो हर महीने के बीच में ड्रॉइंग्स कर रहा है।
तो 12 महीने का पीरियड है, तो यहां पर मैं कितने महीने के लिए इंटरेस्ट कैलकुलेट करूंगा? 6 मंथ, 6 महीने का ब्याज मैं कैलकुलेट करूंगा। कंडीशन नंबर 2, यदि रेट के साथ में पर एनम नहीं है तो पीरियड कितना कैलकुलेट करेंगे? 12 महीने का इंटरेस्ट कैलकुलेट करेंगे। जैसा 11th क्लास के अंदर आपको याद होगा, डेप्रिसिएशन के चैप्टर के अंदर अपन फिक्स्ड एसेट्स के ऊपर डेप्रिसिएशन चार्ज करते थे। 5,000 रुपये की ड्रॉइंग्स करता है, 12 महीने की ड्रॉइंग्स कितनी हो गई? 60,000 रुपये। रेट बोलो कितनी ले में? रेट मैंने ले ली 7% रेट, एट द रेट ऑफ 10%। 10% की रेट से साल भर का ब्याज कितना हो गया? 6,000 रुपये। तो 12 महीने का ब्याज 6,000 रुपये, इसलिए 1/12, तो 6 महीने का कितना हो जाएगा? 6 महीने से मल्टीप्लाई कर देंगे, 6 × 2 = 2, 3 = तो इंटरेस्ट कितना आ जाएगा? 3,000 रुपये। इसको आप फॉर्मूले के अंदर भी रख सकते हो, टोटल ड्रॉइंग्स इंटू रेट अपॉन 100 इंटू टाइम कितना लेंगे? 6 months upon 12, आंसर यही आ जाएगा। मैंने विदाउट फॉर्मूला इसको सॉल्व किया है। अब सेकंड कंडीशन, रेट क्या है? 10% है और पर एनम नहीं है। कंडीशन वही है, डेट ऑफ ड्रॉइंग्स इज नदारद, डेट ऑफ ड्रॉइंग्स इज नॉट गिवन, आरण की तिथि नहीं दी हुई है। तो साल भर की ड्रॉइंग्स 5,000 रुपये के हिसाब से कितनी हो गई? 60,000 रुपये। 10% कितना हो गया? 6,000 रुपये। साल भर का ब्याज कितना होगा? 6,000 रुपये। और अपना पीरियड कितना लेना है? अपन को फुल पीरियड लेना है। 12 महीने का इंटरेस्ट कैलकुलेट करेंगे तो ये 6,000 रुपये इंटरेस्ट आ जाएगा। क्वेश्चन के अंदर आपको ऐसे भी दिया जा सकता है कि एक्स ले पर मंथ नहीं देके और 60,000 ड्यूरिंग द ईयर, एक्स ने साल भर के अंदर कितने रुपए की आरण की ड्यूरिंग द ईयर? 60,000 रुपये का ड्रॉइंग्स करी, डेट इज नॉट गिवन, पर मंथ के हिसाब से भी 60,000 रुपये हो रहे हैं, लैंग्वेज थोड़ी चेंज कर दी, एक्स विड्रू रुपीज 60,000 ड्यूरिंग द ईयर। अब साल भर में कब निकाला, मंथली है या क्वार्टरली है, डेट इज नॉट क्लियर। तो इसी तरह से इसकी इस क्वेश्चन के अंदर भी यदि रेट के साथ में पर एनम है तो हाफ पीरियड हो जाएगा, और यदि ओनली रेट इज गिवन, रेट के साथ में यदि पर एनम नहीं है तो अपन इंटरेस्ट जो कैलकुलेट करेंगे वो फुल पीरियड के लिए करेंगे। फुल पीरियड यदि 12 महीने का है तो 12 महीने के लिए, फुल पीरियड यदि 6 मंथ्स का है तो 6 मंथ्स के लिए, और फुल पीरियड यदि 9 मंथ्स के लिए है तो 9 मंथ्स के लिए अपन आईओडी कैलकुलेट करेंगे। स्टूडेंट्स, अप्रोक्स मैंने सारे पॉइंट्स आईओडी के बारे में क्लियर कर दिए हैं। नाउ यू आर एबल टू सॉल्व द इलस्ट्रेशंस गिवन इन योर बुक। यदि आपने रुचि लेकर ये वीडियोस देखे हैं तो यू कैन सॉल्व द इलस्ट्रेशंस विदाउट द हेल्प ऑफ एनी टीचर। आपने ये वीडियो देखा, इसके लिए आप लोगों का हार्दिक धन्यवाद देता हूँ।